पिल्लाड़ों में मैं ही मस्त आमिर की स्टूडेंट क्लास सेवन में सब्जेक्ट इंग्लिश में नेशनल नंबर वन है हमारा. एज यू ऑल नो कि कोविड-19 थर्ड वेव स्टार्ट हो चुका है और ड्यू टू दिस रीजन आपकी फिजिकल क्लासेस भी स्टॉप करनी पड़ी, तो हम अगेन ऑनलाइन की तरफ आ चुके हैं. ऑनलाइन में हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है. हमने लास्ट में दो चैप्टर्स पढ़े थे, मदर्स पर, मदर्स लव एंड चाइल्ड मदर. तो आज हमारे यूनिट नंबर सिक्स स्टार्ट हो रहा है, सेक्शन वन नेबर्स. इसकी वर्ड मीनिंग्स मैं आपको बता चुकी हूँ क्लास में. आई डिस्क्रिप्शन की तरफ चलते हैं, चैप्टर डिस्क्राइब करूंगी, देन वर्ड की तरफ है. जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 126, सेक्शन वन, यूनिट नंबर सिक्स, नेबर्स. इससे पहले मैंने आपको इससे पहले बताया था कि लिविंग टुगेदर में एक साथ रहने पर फोकस किया गया है. साथ रहना, तो साथ रहने में जब बात आती है तो सबसे पहले हमारे नेबर्स आते हैं. घर में तो हम सारे घर के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो साथ रहते ही हैं, लेकिन घर से जब बाहर निकल रहे हैं तो फर्स्ट हैंड हमारा नेबर होता है. ठीक है, तो नेबर्स के बारे में यहाँ पे, हाउ वुड यू फील इफ द पर्सन यू लाइक एंड ट्रस्ट सडनली सीम्स टू हैव बिकम योर वर्स्ट एनिमी व्हेन यू थिंक ही इज द ओनली मीन्स ऑफ हेल्प यू हैव. He turns out with the very people you are after your blood. Who are after your blood? अब कैसा लगेगा, कैसा फील होगा कि जब आप किसी पर्सन पे, किसी इंसान पे बहुत ट्रस्ट करते हो, अचानक से ऐसा लगे, अचानक से वो आपको आपका बुरा बदतरीन दुश्मन नज़र आने लगे. जब आप ये सोचो कि यही वो मतलब कि यही वही वाकई एक वाहिद जरिया है कि ऐसा इंसान जिसको आप समझ रहे हो कि वो आपका अपना है, वो अचानक से आपके खून का प्यासा बन जाए. ठीक है, द वॉइस केम क्लोजर. दिस स्टोरी है, छोटी सी हल्का सा एक सीन है, एक छोटा सा सीन है, एक स्टोरी का, एक मुकम्मल कहानी का एक छोटा सा सीन है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ये अनकम्प्लीट स्टोरी है. ठीक है, द वॉइस केम क्लोजर, कम टूअर्ड्स द बेडरूम. द डोर वॉज कैक्ट ओपन एंड स्लॉटेड अगेंस्ट द ड्रॉइंग रूम लाइट्स स्टूड अ टॉल यंग मैन टू टू A neighbor's son. He searched on the torch. Its beam searched through the dark room. It crept over the floor and under the bed. It zigzagged over the wall towards the window, glided down the curtains, and traveled on. अभी हुआ कि एक आवाज जो है वो करीब आती चली गई बेडरूम में और डोर को किक करके ओपन किया गया और ड्राइंग रूम के अगेंस्ट लाइट जो थी वो एक टॉर्च से स्विच ऑन करके अंदर डाली गई. मतलब कि लाइट स्विच से जो टॉर्च है उससे जब लाइट आप इन किसी डार्क रूम में इन करें तो वो लाइट का पूरा शेडो जिगजैग की शक्ल, मतलब जिस तरीके से वो लाइट अंदर सफ़र करती है वही शेप बनती चली जाती है. तो उसमें यही बताया जाए कि जिगजैग ओवर द वॉल टूवर्स दीवार की तरफ जो है वो जिगजैग बनता हुआ विंडो की तरफ गया और फिर कर्टन से होता हुआ ट्रैवल करता हुआ. द यंग मैन टुक अ स्टेप फॉरवर्ड देन अनदर. ही डिडंट स्पीक अ वर्ड बट द गर्ल कुड हियर हिज हैवी ब्रीथिंग एज ही एडवांस्ड क्लोजर एंड क्लोजर. और फिर वो यंग मैन, इनके टूटू था जो नेबर था और उसके साथ एक और था. टूटू जो है वो नेबर्स का सन है, मतलब नेबर का बेटा है, नेबर में रहने वाला वालों का बेटा है. और यहाँ पे एक लड़की है जो अपने ग्रैंडफादर के साथ रूम में है. सो वो यंग मैन जो है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है और वो बोल तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन लड़की जो है वो उसकी आवाज़, उसकी हैवी ब्रीथिंग, उसकी तेज़ सांसों की आवाज़ सुन रही है और वो करीब से करीब होती चली जा रही है. बिहाइंड हर द गर्ल फेल्ट हर ग्रैंडफादर फिंगर ऑफ अनदर कफिंग फिट. नॉट नाउ ग्रैंडफादर, शी प्रेयर्ड, नॉट नाउ. और फिर उसके पीछे से ग्रैंडफादर की खांसने की आवाज़ आती है तो वो लड़की कहती है कि अभी नहीं ग्रैंडफादर, प्लीज़ अभी नहीं.